पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में दो भारतीय जवान शहीद हुए हैं। एलओसी के पास नौगाम और नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग की गई थी, जिसका करारा जवाब देते वक्त दो भारतीय जवान गोलीबारी की चपेट में आ गए। और कल पाकिस्तानी सेना ने बच्चों के स्कूल पर भी फायरिंग की। तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये नापाक हरकतें हो रही हैं। मासूमों के स्कूल को भी नहीं बख्शा पाकिस्तान ने और स्कूल पर भी फायरिंग की। देखिए किस तरह सहमे हुए हैं ये छोटे छोटे बच्चे, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और अपनी टेबल्स के नीचे ये बच्चे छुपने को मजबूर हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने बच्चों को सुरक्षित स्कूल से बाहर निकाला। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस स्कूल के भीतर की, जहां पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। अजय बाजलू एबीपी न्यूज संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं स्कूल पर किस तरह फायरिंग की पाकिस्तान ने, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, यानी कि मासूम लोगों को भी नहीं बख्श रहा है अब पाकिस्तान। जी बिल्कुल, कल अमांद्रा तीन स्कूल पर ऐसी फायरिंग हुई थी और इस स्कूल के आप विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये नौशेरा इलाके के भवानी इलाके में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें करीब 150 बच्चे कल 11 घंटे तक फंसे रहे अमांद्रा। आप सोचिए 11 घंटे तक कल पाकिस्तान ने फायरिंग की है और उसी फायरिंग के बीच डरे सहमे ये बच्चे। ये बता दूं अमांद्रा, सुबह करीब 8 बजे जब ये बच्चे स्कूल आए थे और काफी छुट्टियों के बाद कल यहाँ नौशेरा इलाके में सरकारी स्कूल खुले थे। जैसे ही कल ये बच्चे अपने स्कूल में गए हैं, लगातार कुछ समय बाद पाकिस्तान ने फायरिंग की और फायरिंग इस तरह रिहायशी इलाकों पर की गई। और गनीमत ये रही कि स्कूल में कोई शेल नहीं गिरा, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और ये शेल जो है, ये सारे शेल जो हैं, ये स्कूल के आसपास कोई 100 मीटर, कोई 150 मीटर, कोई 200 मीटर के घेरे में गिरे हैं। और उस दौरान करीब 150 बच्चे इसी तरह स्कूल में डरे सहमे अपने टेबल के नीचे छुपे हैं। दरअसल ये एक ड्रिल कराई जाती है अमांद्रा यहाँ बॉर्डर के इलाकों में, और बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर इस तरह की पाकिस्तान कोई हिमाकत करे तो अपनी जान को कैसे बचाना है। तो उसी ड्रिल का हिस्सा है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि बच्चे टेबल के नीचे छिपे हुए हैं और लगातार जो है ये फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और प्रशासन ने तुरंत हरकत में आकर ब्लड प्रूफ जो गाड़ियां होती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों को इन तीन स्कूल्स में भेजा था और इन बच्चों को वहां से रेस्क्यू कराया था। और एक विजुअल में आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चों को उस बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जा रहा है, तो उस समय भी पाकिस्तान ने मोर्टार शेल यहाँ दागे हैं। और अब यहाँ पर जम्मू रजौरी में एहतियातन नौशेरा सेक्टर में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिन अमांत्रा जी, अजय आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये वो स्कूल है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है स्कूल से। करीब 11 घंटे तक अजय ने बताया कि ये बच्चे स्कूल में भूखे प्यासे फंसे रहे, रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ग्रेनेड भी फटा है स्कूल के आसपास। तो ग्रेनेड की आवाज आप सुन पा रहे हैं, जरा सोचिए कितने मुश्किल हालात हैं सीमा के पास रहने वाले लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो घर से तो पहुंचे थे स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन मजबूरन टेबल के नीचे छुपना पड़ा। किसी तरह जान बचाकर इन्हें स्कूल से बाहर निकाला गया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में इन्हें स्कूल से बाहर सुरक्षित भेजा गया। अजय बाजलू लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अजय, आप बता रहे थे कि इन इलाकों में पहले से ही स्कूली बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान करे तो फिर कैसे अपना बचाव करें। जी बिल्कुल अमांद्रा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर है, चाहे वो एलओसी है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पर लगातार इस तरह की ड्रिल्स कराई जाती है बच्चों से, न केवल बच्चों से बल्कि यहाँ पर जो बॉर्डर के फॉरवर्ड इलाके में रहने वाले गांव वाले हैं, रहने वाले लोग हैं, उनसे जो लगातार पुलिस और प्रशासन ये ड्रिल करवाती है। और ये
सुनिश्चित किया जाता है कि छोटे से छोटा बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इस ड्रिल को अच्छे से समझे और आपातकालीन स्थिति में अपनी जान बचाए। कहीं ना कहीं ड्रिल अब अमांदरा काम आई है इन मासूम बच्चों के, क्योंकि करीब 150 बच्चे थे और आप समझ सकती हैं कि जब इस तरह की शेलिंग हो, टीचर जो रहते हैं वो अपनी जान बचाते हैं और बच्चों को अगर इस तरह की ड्रिल न सिखाई गई हो तो एकदम से भगदड़ मच सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस ड्रिल का मकसद यही रहता है अमांदरा की ऐसी होस्टाइल सिचुएशन में, ऐसी आपातकालीन स्थिति में बच्चों को कैसे बचाया जाए, भगदड़ न मचे और बच्चे किस तरह से अपनी जान बचाए, इस तरह की ड्रिल ये होती है। और जिसका नतीजा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जैसे ही पाकिस्तान ने यहाँ मोर्टार शेलिंग शुरू कर दी, कोई बच्चा भागा नहीं, कोई बच्चा दौड़ा नहीं और सब बच्चे अपनी डेस्क के नीचे, जो छोटे बैठने के लिए डेस्क होती हैं उसके नीचे छिप गए ताकि अगर कोई शेल ऊपर गिरता भी है छत पर तो उन्हें चोट ना पहुंचे और उसका मलबा जो है वो किसी डेस्क पर गिरे। तो करीब 8-11 घंटे मैं बता दूं अमांदरा, इसी तरह ये बच्चे यहाँ स्कूल में भूखे प्यासे रहे हैं। और जब ये फायरिंग के बीच ही ये भी बता दूं कि पुलिस ने इनको बचाने की कोशिश की, इलाके के SSP तक मौके पर गए थे और लगातार उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई किसी भी बच्चे को किसी तरह की चोट ना आए और बगैर किसी बच्चे को घायल किए हुए वो इन सारे बच्चों को निकाल कर। जी अजय, वाकई दाद देनी पड़ेगी कि किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं बचाई इन बच्चों ने और मुश्किल घड़ी में भी बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बच्चे स्कूल से बाहर निकले। ये है ABP News, आपको रखे आगे।